बांग्लादेश में विगत दिनों हुए हिंदुओं की हत्या का विरोध पूरे भारत में किया जा रहा है। इस मामले को लेकर जमशेदपुर में भी बुधवार को हिंदू जागरण मंच के द्वारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का पुतला दहन किया गया। गौरतलब है कि विगत दिनों बांग्लादेश स्थित इस्कॉन मंदिर में हिंदुओं की हत्या हुई थी, जिसके बाद पूरे भारत में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। वहीं हिंदू जागरण मंच ने इस मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में बुधवार को हिंदू जागरण मंच द्वारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का पुतला जलाया गया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हिंदुओं की हत्या नहीं हुई है, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में वर्षों से हिंदुओं की हत्या हो रही है और अब इस पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। हिंदू जागरण मंच जमशेदपुर महानगर के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हम लोग कर रहे हैं और इस आज जो दुर्गा पूजा बीता है इसके पहले भी 2011-2012 हिंदुओं का हाथ से देश पहुँचाने का काम कर रहा या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। आज देखिए विगत कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा हुआ, मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, हिंदुओं का घर जला दिया गया। ये बहुत ही आहत का बात है और बहुत ही निंदे है। हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से हम लोग मांग किए हैं, हम लोग डीसी महोदय को भी ज्ञापन देंगे कि जल्द से जल्द बांग्लादेश पर कार्रवाई करें और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सिटी स्कैन 64/7 की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल गैली के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।